वेलकम टू रेडिक्स एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 101 टू 150. नाउ क्वेश्चन इज वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट लेट. नाउ लेट इज यूजुअल स्पीड बी एक्स, तो 6/7 एक्स से चलने पर वो एक्चुअल टाइम का 12 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 12 मिनट ज्यादा लेता है. तो इट इज इक्वल टू एक्स इंटू टी. एक्स कैंसिल, 60 + 72 इज इक्वल 70. नाउ टी इज इक्वल 72 मिनट और 1 आवर 12 मिनट. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सीजल 2014 का क्वेश्चन है. अ कार ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड. इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाई 10 km/h इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km/h. The distance between the two cities is. देखो यार, अब ये क्वेश्चन का कुछ बुक्स में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसको याद करने से अच्छा कि आप कुछ ऐसा कर लो. Let the distance be d and original speed be x. Now if we take increase his speed by 10 km/h, it will save 1 hour. Okay, it is given that it will take 1 hour less. Now if he increases his speed by further by 10, तो 20 extra हो गया. It will take 45 minute further 45 minute. तो एक 1 hour 45 minute. तो this is 1 + 45/60. देखो आप इसको ऐसे मैंने किया कि अगर original time d by x था, पहले x by 10 पे 1 hour, अगली बार उसको 45 और बढ़ गया, मतलब 1 hour 45, तो 3/4 और 7/4. अच्छा अब इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो. इफ वी डिवाइड दीज टू इक्वेशन, देखो डी कैंसिल हो जाएगा. नाउ इन न्यूमरेटर इट वुड बी हैव एक्स प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 10 एंड इन डिनोमिनेटर इट वुड बी एक्स प्लस 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 20. राइट, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर ही एक्स कैंसिल हुआ, दिस इज, और ये हो जाएगा 4/7. नाउ दिस इज 10 इंटू एक्स प्लस 20, 20 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल 4/7. दिस इज, सो 7x प्लस 140 इज इक्वल 4x प्लस 40. सो देखो अब ये 7x इधर आएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो दिस इज 100 इज इक्वल x. सो वैल्यू ऑफ x वुड बी, दिस इज 80. 140 माइनस 60 इज द x, वैल्यू ऑफ x इज 60. नाउ x 60 आ गया. अब हम क्या करते हैं, जो पहली कंडीशन थी d अपॉन 60 प्लस माइनस d अपॉन 70 इज इक्वल 1. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा कि यहां पर जो भी आपकी डिस्टेंस होगी इट शुड बी डिवाइड बाय 7 एज वेल एज 60. तो केवल एक ऑप्शन है 420 विच इज डिवाइड बाय बोथ. तो आंसर हमारा हो गया 420. फिर भी चेक कर लेते हैं, 420/60 माइनस 420/70, दिस इज 6, दिस इज 7. आंसर इज 7 - 6, 1. सो आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 km एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h एंड अगेन ट्रेवल 12 km एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 km/h. हिज एवरेज स्पीड, देखो यार, अ बॉय राइड्स 10 km एट एन एवरेज स्पीड, देखो 10 km ये चला प्लस 12 km. अब यहां पर निकालेंगे टाइम. देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो इधर 10 km में इसको लगेगा टाइम 12 और इधर 12 km में उसकी स्पीड 10. अच्छा देखो अब ये हो गया 22 अपॉन, नीचे हो गया 6, ये हो गया 5. दिस इज 6, दिस इज 5. सो एलसीएम कितना आ गया, 25 + 36. सो दिस इज 30 × 22 upon 161. तो दिस इज 61. ओके अच्छा अब देखो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं. देखो एक चीज समझना, अगर ये 60 होता तो ये 2 times होता तो 11 आता, लेकिन मैं नीचे वाली वैल्यू कम किया तो मेरा आंसर 11 से थोड़ा सा कम आएगा. ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज बी, थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा. आंसर इज 10.8. बाकी आप सॉल्व कर लेना. देखो एक्चुअली अपॉन में 61 है तो ये वैल्यू तो पूरी पूरी नहीं आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा. आंसर इज बी ऑप्शन. अच्छा पूछा भी आपसे अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा ना. देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 800 किलोमीटर बाई शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर बाई एयरोप्लेन एट 400 एंड 100 किलोमीटर बाई कार एट, व्हाट इज इट एवरेज स्पीड? देखो यार, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 प्लस 800 प्लस 500 एंड देन 100. नाउ टाइम टेकन, 600 की डिस्टेंस वो चलता है 600 बाई 80 प्लस 800 बाई 40 प्लस 500 बाई 400 स्पीड एंड देन 100 किलोमीटर बाई 50. ओके, दिस इज 2000. अच्छा काम करते हैं, तीन जीरो सब में आ रहा ना, तीन जीरो एग्जैक्ट काट लो तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा. अब आप क्या करो, नीचे से एक जीरो कैंसिल करके ऊपर ले चलते हैं, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 200, नीचे बचा हमारे पास एलसीएम बचा 44. हाँ 40 इज द एलसीएम, तो 8 5 जा 5 6 जा 30 प्लस 80 प्लस 5 प्लस 8, सो दिस इज 200 इंटू 40 अपॉन 1 2 3, राइट. सो अच्छा ऑप्शन में क्या, देखो एक ऑप्शन में अपॉन में 123 है, तो आंसर इज सी ऑप्शन. मूव्स फॉर 12 मिनट विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर एंड नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन. देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर ईच पार्ट. 30 किलोमीटर कन्वर्ट दिस इनटू और कन्वर्ट दिस 12. देखो डिस्टेंस 1 हो गई 30 इंटू 12 बाई 60, तो दिस इज 6. सो 6 किलोमीटर फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकेंड डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 8 मिनट, सॉरी 45. तो 45 4 जा 45 3 जा 15 4 जा 15 3 जा एंड 4 2 जा, तो 6. तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6, एवरेज स्पीड वुड बी 6 प्लस 6 एंड टाइम, पहले टाइम लगता है 12 मिनट फिर 8 और इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज 12 अपॉन 21 बाई 3 और 36. आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 हिज एवरेज स्पीड. तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस y, दिस इज 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 और 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 9, 3 3 जा 3 2 जा, एवरेज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज सी ऑप्शन. A man goes from A to B at a uniform speed of 12 km per hour and returns with a uniform speed of 4 km per hour. देखो जाता है 12 से आता है 4, इसकी एवरेज स्पीड 2 into 12 into 4 upon 12 plus 4. तो ये जाएगा 2 into 12 into 4 upon 16. 4 4 जा 4 3 जा, आंसर इज 6 km per hour. C option. Next question. A train covers a distance of 3584 km in 2 days 8 hours. If it covers 1440 km on the first day and 1608 km on the second day, by how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey differ from the entire journey? Dekho yaar, 3584 total distance covered in 2 hours means 2 into 24 plus 8. This is what average speed of entire part. नीचे हो जाएगा 56. नाउ देखो 7 से कटता है, यस 7 5 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 8 जा एंड दिस इज 8 6 जा एंड 4 जा, तो 64 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज टोटल स्पीड फॉर एंटायर जर्नी. नाउ इफ इट कवर 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे, देखो 1440 फर्स्ट डे में कवर हुआ है, 1608 कवर हुआ किसमें, सेकेंड डे में, टोटल डिस्टेंस कवर 3048, सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बनी 3584 और 3048, दिस इज 6 3 5 536 किलोमीटर रिमेनिंग इन. देखो टाइम कितना बचा, 8 आवर्स, सो डिवाइड बाई 8, दिस इज 8 6 जा एंड 8 7 जा, 67 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑन द लास्ट डे, सो इट इज 3 किलोमीटर पर आवर मोर. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, A man travels a certain distance of 24 km
at 6 km per hour, another distance of 24 km at 8 km per hour, and the third distance of 24 at 12 km per hour. We have to calculate average speed. So if total distance 3 part are equal, then average speed formula is 3xyz upon xy plus yz plus zx. Now 3x is 6, y is 8 and z is 12 upon 6 into 8 plus 8 into 12 plus 6 into 12. ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, सब में से चार तो कॉमन हो सकता है ना, चार दो और ये तीन बार, यहां चार से काट दो, दो बार. अच्छा फिर देखो, सब में तीन है, 3 2 जा 3 4 जा 3 2 जा. अच्छा सब में दो भी दिख रहा है, फिर दो 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 काट दो एक. ठीक है फिर, हाँ अब नहीं कुछ है तो 72 अपॉन 9, आंसर इज 8 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर, इफ इट रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड. ओके एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस इज 2xy अपॉन एक्सप्रेस वाई, सो 2 इंटू 100 इंटू 80 अपॉन 180. अच्छा अब ये जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया 9, 800 बाई 9 और 9 8 जा 88 पॉइंट. देखो अब ये तो कंफर्म है कि आंसर ये नहीं होगा, देखो ये फिर 88 जाएगा ना, तो इसको मैं 88.89 ले सकता हूं, आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू एट एन एवरेज स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी. ओके तो दिस इज 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, आंसर इज बी ऑप्शन. अ मैन गोज फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर एंड कम्स बैक टू मैसूर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60, हिज एवरेज स्पीड. नाउ एवरेज स्पीड बिकॉज डिस्टेंस इज सेम इज 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 एंड दिस इज 100, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100 आंसर इज ए ऑप्शन. अ मैन गोज फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आर, द एवरेज स्पीड. नाउ एवरेज स्पीड इन द सेम केस इज 2 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन 30, सो दिस इज 3 4 जा 3 10 जा 2 5 जा 72 बाई 5 और 14 होल 2 बाई 5, आंसर इज ए ऑप्शन. वन थर्ड ऑफ अ सर्टेन जर्नी कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, देखो वन थर्ड एट द रेट 25, फिर 1/4 एट द रेट 30 एंड रिमेनिंग, तो 1/3 1/4, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 करोगे तो हो जाएगा 5/12, सो 5/12 जर्नी कवर्ड विद 50. अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो 3/4 12 का एलसीएम है 12, तो आप क्या करो टोटल डिस्टेंस मान लो 12, तो देखो 1/3 12 का 1/3 कितना होगा 4 किलोमीटर की स्पीड वो 25 से कवर करता है, उसके बाद 1/4 होगा 3 किलोमीटर की स्पीड वो 30 से कवर करता है, प्लस ये होगा 5/50. अच्छा इसको सिंपलीफाई कर लो, 10 दिस इज 1/10, तो दिस इज 12 अपॉन 4/25 और 1/10 हो जाएगा 2/10 और 1/5, तो ये हो गया नीचे एलसीएम आगे 25, 4 प्लस 5 12, तो दिस इज 300/9 राइट, सो 100/3 आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर, तो देखो 30 किलोमीटर को लगता है 6 किलोमीटर पर आर और 40 किलोमीटर को लगता है 5 आवर्स, तो यहां से देखो 6 5, तो देखो टोटल टाइम हो गया 5 आवर्स और 5 आवर्स, कितना हो गया 10 आवर्स एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40 अपॉन 10, आंसर इज 7 किलोमीटर पर आर, दिस इज एवरेज स्पीड, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45, हिज एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल 2 इंटू 36 इंटू 45 अपॉन 36 प्लस 45.
नाइन फोर जा नाइन फोर जा नाइन फाइव जा, तो दिस इज टू इंटू फोर इंटू 45 अपॉन नाइन, नाइन फाइव जा, आंसर इज 40, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर व्हाइल इट्स स्पीड इज 150 किलोमीटर व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, देन द एवरेज स्पीड. नाउ एवरेज स्पीड वुड बी ट्वाइस ऑफ 100 इंटू 150 अपॉन 100 प्लस 150 और 250, 25 6 जा, आंसर इज 120, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ट्रेवल फॉर 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी. नाउ देखो, 5 किलोमीटर चला है वो 6 आवर्स थे, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 इंटू 6 30, एंड नेक्स्ट ये D1 होगी, D2 हो गया, 3 इंटू 6 18, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कि 30 प्लस 18 है, एंड टोटल टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स पहले और 6 आवर्स, 9 आवर्स, 48 बाई 9 और 16 बाई 3, 5 होल 1 बाई 3, बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर अ ट्रेन रीचेज इट डेस्टिनेशन इन टाइम, इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 इट इज लेट बाई 15, द टोटल जर्नी इज. देखो यार, वही यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड 140 इंटू टाइम, नेक्स्ट टाइम 35, तो ही विल बी 10-15 मिनट लेट. पहले मिनट में निकाल लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 58 जा 57 जा, 80 इज इक्वल 70 प्लस 105, सो टाइम हो गया एक्चुअल टाइम 105 मिनट और 105 बाई 60 आवर्स, 521 जा 512 जा, तो दिस इज 7/4, इतना आवर्स लगते हैं उसको अगर वो नॉर्मल चलता है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 इंटू टाइम जो कि 7/4 है, तो 70 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट स्पीड ऑफ 10 20 30 एंड 60 इट्स एवरेज, तो 4 के लिए क्या करेंगे, वैसे आसान होगा, 3 किलोमीटर के लिए उसके हर बार आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस 12 हो गई, 3-3 के हिसाब से. अच्छा, टाइम क्या होगा, 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60, सारे जीरो हटा लो और ये 10 कर लो और 3 से कैंसिल कर दो, तो इट इज 40. अब बचा मेरे पास 40 अपॉन, देखो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 6, ठीक है, नीचे से एलसीएम कितना आ गया 6, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 1, इधर 40 है, तो ये जाएगा 40 इंटू 6 अपॉन 16, हो गया 3 था यार, 1/3 था ये, तो दिस इज 2, तो दिस इज 12. ओके, नाउ 6 2 जा 220, आंसर इज 20, इसी ऑप्शन. अ ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट एंड एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर द टोटल 15 मिनट. देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 35 किलोमीटर पर आवर विद द टाइम 10 मिनट, तो ये तो हो गई डिस्टेंस यहां की, प्लस 20 किलोमीटर विद 5 स्पीड, 5 टाइम 20 स्पीड 12, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 10, 35 बाई 6 प्लस 10 बाई 6, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, 6 एलसीएम आ गया, दिस इज 45 और 15/2, दिस इज टोटल डिस्टेंस. नाउ एवरेज स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस 15/2 एंड टाइम 10 प्लस 15/60, तो दिस इज 15 इंटू 4/2 और 30 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस, 40 किलोमीटर फॉर 40% ऑफ इट एंड 20 किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग, द एवरेज स्पीड. तो मान लेते टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर रही हो, तो 50 किलोमीटर पर, अब देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है मुझको, देखो 50 किलोमीटर पर उसकी 50% डिस्टेंस की स्पीड 50 थी,
100 का 50 ये हो गया, अच्छा 40% का 40 हो गया, स्पीड 40 थी प्लस रिमेनिंग 10 के लिए उसकी स्पीड थी 20। नाउ दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड। नाउ अब क्या होगा, ये हो गया 1, ये 1 और ये 1/2, तो 100 अपॉन 2.5, 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, अ ट्रेन गोज फ्रॉम बैलीगंग टू सियालदा एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड। तो कमिंग एंड बैक के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्टेंस सेम रहेगी, सो एवरेज स्पीड वुड बी 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 और 50, दिस इज 624 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ए कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट 6 किलोमीटर पर आवर। देखो यार, ए एंड बी दे आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ए कैन वॉक एट ए स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ए इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM, व्हेन विल दे मीट। तो देखो यार, इसकी स्पीड 4, इसकी 6, देयर रिलेटिव स्पीड वुड बी 10 एंड टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर 20/10 और 2 hours, दे विल मीट एट 9 AM। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, 2014 में आया था, इंपॉर्टेंट था, वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अ ट्रेन रन फ्रॉम हावड़ा टू बंदेल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30। ओके, टोटल एवरेज स्पीड वुड बी 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 50, 5, 6 और 24, सी ऑप्शन। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ओके, देखो, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाई ए टू। देखो यार, रेशियो ऑफ स्पीड एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, या ध्यान रखिएगा स्पीड का रेशियो में से टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो स्पीड रेशियो इज 3/4। नाउ इट इज गिवन द ए टेक्स 30 मिनट मोर देन, तो इफ ए टेक्स टी, बिकॉज ए टेक्स मोर तो बी विल टेक लेस, टी माइनस 30, तो 3t इज इक्वल 40 माइनस 120, टी इज इक्वल 120 मिनट और 2 hours, आंसर इज द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। देखो, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इन द रेशियो 3:4, ए टेक्स 20 मिनट मोर, सो एस ए अपॉन एस बी वुड बी टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन व्हाट टाइम डज ए, तो हमें ए का टाइम पूछा है, तो देखो 3/4, माना ए का टाइम टी है, सो ही इट टेक्स 20 मिनट मोर, तो बी को 20 मिनट लेस लगेंगे, 3t इज इक्वल 40 माइनस 80, तो टी इज इक्वल 80 मिनट और 1/3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 6:5, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। देखो, टाइम ऑफ फर्स्ट होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड टाइम ऑफ टू होगा लेंथ ऑफ टू अपॉन स्पीड ऑफ टू, इनका रेशियो पूछा है आपसे, टाइम का रेशियो। सो दिस इज L1 अपॉन L2 इंटू S2 अपॉन S1, वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ रेशियो इज 5:3 एंड टाइम का रेशियो 6:5, तो 6:5, तो दिस इज 25/18, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM टूवर्ड्स बी विद स्पीड 50 किलोमीटर पर, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM टूवर्ड्स ए विद स्पीड 60, बोथ ऑफ देम मीट एट 10 AM एट सी, द रेशियो डिस्टेंस ए सी। देखो यार, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7, ए से ट्रेन चलती है 7 एंड बी से चलती है 8 और उसकी स्पीड है 50, तो 50 के हिसाब से ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। नाउ व्हेन दे मीट एट 10 AM, इसका मतलब 2 hours ये चला होगा, ये सी पॉइंट है, ए वाला 2 hours चला होगा, बी वाला भी 2 hours चला होगा एंड स्पीड ऑफ ए इज 50, तो 2 hour में 100 एंड स्पीड ऑफ बी 60, 2 hour में 120, सो ए सी अपॉन बी सी, ए सी इज 150 एंड बी सी इज 120, सो दिस इज 3:5 / 3:4 / 5:4, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, डिस्टेंस निकालने के लिए ये इजी हम वे में कर सकते हैं। टू ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फ्रॉम बी टू ए, इफ दे अराइव एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली इन 4 hours 9 hours आफ्टर दे पास ईच अदर, तो देखो रूल होता है, स्पीड ऑफ वन अपॉन स्पीड ऑफ टू इज इक्वल अंडर रूट टाइम टू अपॉन टाइम वन,
नाउ आफ्टर मीटिंग फर्स्ट ट्रेन टेक्स 4 आवर्स, तो नीचे हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 9, तो देयर रेशियो ऑफ स्पीड इज 3:2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 60:7 इफ द सेकंड ट्रेन रन 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स. ओके एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल, देखो आपको 60:7 दिया हुआ है. अच्छा सेकंड ट्रेन के बारे में बोला हुआ है कि इट रन 364 किलोमीटर इन 4 आवर, तो इसकी स्पीड होगी कितनी, 364/4 = 6/7. तो देखो एस वन हो गया 364/4 × 6/7, 5 × 2 = 13, 78. आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट, वेयर इज अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर इन 45 मिनट, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रक अपॉन स्पीड ऑफ बस. नाउ ट्रक कवर्स 550 मीटर इन 1 मिनट एंड दिस कवर 33 किलोमीटर, तो उसको मीटर बना लो, अपॉन 45 मिनट. देखो यूनिट सेम रखो आप, रेशियो निकालना ना, ये मीटर तो ये भी मैंने मीटर कर लिया, दिस इज मिनट, मिनट हो गया, तो दिस इज 550 × 45/33000, 1 0 कैंसिल हुआ, 11 5 = 11 300. नाउ 560, 15 3 = 15 4, आंसर इज 3:4. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कार्स ट्रेवल डिस्टेंस इन द रेशियो 1:3, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रेवल इज 3:2:1, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड. नाउ एस वन एस टू एस थ्री इज इक्वल d1/t1 × d2/t2 × d3/t3. नाउ डिस्टेंस वन एक्स, देखो ये है ना 1:3 दिया, तो उसको एक्स 2x 3x मान लो, टाइम 3t × 2x/2t एंड 3x/t. नाउ tt कैंसिल हो गया, xx कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1/3, 1:3. नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो, 1:3:9, आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 किलोमीटर रेस ऑन राउंड कोर्स ऑफ 400 मीटर, इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 5:4, द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेस द अदर. देखो स्पीड का जो रेशियो दिया एस ए अपॉन एस बी दिया है 5:4. नाउ जब भी हम बात करते हैं कि विनर पासेस द अदर, इट मींस अगर रेस कोर्स की लेंथ 400 मीटर है, सो अ पर्सन हुज स्पीड इज मोर विल हैव टू कवर 400 मीटर एक्स्ट्रा, तभी वो उसको पास कर पाएगा लूजर को. तो देखो जो हमारा डिफरेंस 400 का, इसका मतलब अगर ये चलेगा 1600, और ये भी होना चाहिए कि वो पूरे राउंड की बात होनी हो, एक राउंड कंप्लीट, अगर ये चलेगा 1200 तो चलेगा 1600, है ना. लेकिन देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इनमें अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, ये रेशियो कभी भी 5:4 नहीं आएगा, तो स्पीड का रेशियो भी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ऐसा आपको लेना होगा कि ये रेशियो भी 5:4 है, इट कुड बी पॉसिबल विद 2000 एंड 1600. इसका मतलब व्हेन बी ट्रेवल 1600 और टेक 4 राउंड, ए विल टेक 5 राउंड, 1 राउंड एक्स्ट्रा, इट मींस आफ्टर ट्रेवलिंग 2000 मीटर और 5 राउंड, विनर विल क्रॉस लूजर. देखो जब भी क्रॉस की बात आती है, एक राउंड एक्स्ट्रा होगा तभी क्रॉस कर पाएगा, एंड यहां पर 1 टाइम क्रॉस हो गया. नेक्स्ट 2000 चलेगा, ये 1600 चलेगा, फिर एक राउंड क्रॉस हो गया, उसके बाद हाफ राउंड में जाके 1000 में इसकी डिस्टेंस पूरी हो जाएगी. लेकिन क्योंकि ये आधे रास्ते पर है, ये इधर आके इसको आधे रास्ते मिल जाएगा, ठीक है ना. तो कंप्लीट आंसर कितना होगा, 1 और 1, 2 बार एग्जैक्टली मिलेगा. यहां पर तो विनर तो पहुंच गया अपने एंड पॉइंट पर, लूजर अभी भी मूव कर रहा है. आंसर इज 2 टाइम्स, बी ऑप्शन. ओके, अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइकिलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकंड डे फाइंड दैट द रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन द फर्स्ट 2 डेज इज 4:5. देखो उसने सेकंड डे में चली है डिस्टेंस 70 किलोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें कंडीशन इंपॉर्टेंट यह है कि सेकंड डे में चली हुई डिस्टेंस अलग दी हुई है. Find that the ratio of distance covered by him on the first 2 days is 4:5. If he travels distance of 42 on the third day, then the ratio of distance traveled on the third day and first day. देखो यार, 4:5 है 72nd day, तो ये हो गया कितना, 14:5 जा, तो इधर 56. और second day में, third day में चलता है 42, तो ratio 56:42. 7:8 जा, 7:6 जा, और 4:3. A option.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, इफ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम. अब देखो, एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टी टू अपॉन टी वन. नाउ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट, और इसमें हमको एक प्रॉब्लम ये होगी. अच्छा, इसमें इसकी जरूरत नहीं है. देखो, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट एंड स्पीड ऑफ जॉगर. नाउ डिस्टेंस ऑफ साइक्लिस्ट अपॉन टाइम ऑफ साइक्लिस्ट, गिवन दैट इफ जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जॉगर इज हाफ ऑफ दिस एंड डबल द टाइम टू टी सी. तो दिस इज डी सी अपॉन टी सी इन टू डी सी बाई टू और इधर टू टी सी. तो डी सी कैंसिल, टी सी कैंसिल, इट इज फोर इज टू वन. अच्छा, हमको पूछा जॉगर, तो स्पीड ऑफ जॉगर टू स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज इक्वल वन इज टू फोर. आंसर इज ए ऑप्शन. अ थीफ इज नोटिस बाई अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम. द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर. ओके, द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम. द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 एंड 11 किलोमीटर पर आर. द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट. ओके, देखो 200 मीटर डिस्टेंस है, इधर थीफ है, इधर पुलिस है. नाउ स्पीड ऑफ थीफ इज 10 एंड स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 11 एंड रिलेटिव स्पीड वुड बी 1 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी स्पीड हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, 1 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो डिस्टेंस इन 6 मिनट इज इक्वल 5 बाई 18 इंटू 6 इंटू 60 सेकंड है ना, ये 6 × 3 = 320 = 100 मीटर. सो इन 6 मिनट देयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर. सो रिमेनिंग डिस्टेंस वुड बी 200 माइनस कर दिया 100 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग ट्रेन 66 मीटर लॉन्ग ओवरटेक अनदर ट्रेन ऑफ 88 मीटर लॉन्ग मूविंग द सेम डायरेक्शन इन 0.168 मिनट्स. इफ द सेकंड ट्रेन इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड द फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग. नाउ अ मूविंग ट्रेन 66 मीटर लॉन्ग ओवरटेक अनदर ट्रेन ऑफ 88 मूविंग द सेम डायरेक्शन. तो माना फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x है, x माइनस 30 है, तो होगी इनकी रिलेटिव स्पीड. और बाकी सब कुछ मीटर में दिया, तो उसको 5 बाई 18 करके मीटर पर सेकंड बना लिया. एंड दिस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस विच इज 66 मीटर प्लस 88 मीटर अपॉन टाइम 0.168 इंटू 60, ये सेकंड हो गया. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब देखो पहली बात तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला 14 एंड 154 अपॉन, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो जाएगा 168 इंटू 6. अच्छा, और 18 ऊपर 5 नीचे, कैलकुलेशन टिप है ये. नाउ देखो 11 से जाना चाहिए, 11 7 से जाएगा, 7 2 जा और 7 4 जा, दिस इज 7 2 जा एंड 2 जा 22. अच्छा, उसके बाद ये 6 3 जा, 3 8 जा, 4 11 एंड दिस इज 5 टाइम्स 55. तो x माइनस 30 इज इक्वल 55, x इज इक्वल 85. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ. 114 मीटर, दिस इज थीफ, दिस इज कांस्टेबल. नाउ स्पीड ऑफ कांस्टेबल इज 21 मीटर पर मिनट एंड स्पीड ऑफ थीफ इज 15 मीटर पर मिनट. Their relative speed would be 21 minus 15 or 6 meter per minute. Now, time taken to cross 114. So, time upon relative speed 6. It would be 6 vanja and 9 6 ja. So, 19 minute. Answer is A option. How much time does a train 50 meter long moving at 68 km per hour take to pass another train 75 meter long? Okay, तो देखो same direction move कर रही है, तो time is would be distance 50 plus 75 upon 68 minus 50 into 5 by 18. तो ये 18 से पूरा cancel हो गया, this is 125 by 5 or 25 second. Answer is D option. A constable follow a thief who is 200 meter ahead of the constable.
देखो 200 मीटर कांस्टेबल इधर, ये थीफ है। इफ द कांस्टेबल एंड द थीफ रन एट स्पीड ऑफ 8, देखो कांस्टेबल चल रहा है ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये 8 की स्पीड से ये 7 और ये किलोमीटर पर आर है, स्पीड ऑफ देम इज किलोमीटर पर आर। ओके द कांस्टेबल वुड कैच द थीफ, तो देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई 1 इंटू 5 बाई 18 कर लो, दिस इज 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। नाउ द टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन 5 बाई 18, 18 ऊपर आ जाएगा, दिस टाइम इज इन सेकेंड, सो डिवाइड दिस बाई 60 विल गेट टाइम इन मिनट 12 मिनट, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन आर रनिंग विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आर एंड 58 किलोमीटर पर आर इन द सेम डायरेक्शन, अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 18 सेकेंड। नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अ मैन इन स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 18 सेकेंड, देखो बिकॉज बोथ ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो देखो होगा क्या, जैसे ये ट्रेन ऐसे जा रही है, स्लो है ये फास्ट है, तो यहां पर एक आदमी बैठा है जो स्लो में बैठा है, वो इस ये इसके आगे निकल जाएगी, तो ये तो बोलेंगे कि इट पासेस, तो फर्क नहीं पड़ता इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस 58, 28 किलोमीटर पर आर। ओके देखो क्योंकि स्लोअर वाली की बात करें तो फास्टर की लेंथ आएगी, तो लेंथ इज इक्वल डिस्टेंस, एट डिस्टेंस लेंथ इज को स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम है 18 एंड 28 मीटर पर सेकंड, बना लो इसको 55 बाई 18, तो दिस इज 140, आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, टू ट्रेन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 56 एंड 29 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली, द फास्टर ट्रेन पासेज अ मैन इन द स्लो ट्रेन इन 10 सेकंड। अब ये क्वेश्चन पुराने तरह, बस यहां पे फास्टर ट्रेन वाला है, तो जो ट्रेन क्रॉस करती है उसकी लेंथ नहीं आती है, तो देखो द फास्टर ट्रेन पासेस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन का मैन है तो इसका मतलब फास्टर की लेंथ पूछेगा, यस फास्टर लेंथ निकालनी है, लेंथ इज इक्वल, अच्छा दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड हो गई 56 माइनस 29 इंटू 5 बाई 18 और टाइम कितना लगता है 10 सेकेंड। अब देखो 56 माइनस 29 कितना होगा 7 एंड 27 इंटू 5 बाई 18 इंटू 10, दिस इज 9 टू जा 9 थ्री जा 2 5 जा, तो दिस इज 75, आंसर इज सी ऑप्शन। अब बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ओवरटेक्स ए ट्रक 150 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 30 सेकेंड। देखो यार 150 मीटर पर एक ट्रक था और ये बस थी जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आर। नाउ लेट द स्पीड ऑफ ट्रक बी एक्स बिकॉज बस ओवरटेक्स, तो 45 माइनस एक्स दिस इज वॉट देयर रिलेटिव स्पीड, मीटर पर सेकेंड बना लिया एंड इट इज इक्वल टू 150 बाई 30, सो दिस इज 5 5 5 कैंसिल, 45 माइनस एक्स इज इक्वल 18, एक्स वुड बी 27, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन एट 46 एंड 36 किलोमीटर पर आर, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन माना एल है, इट इज इक्वल टू, अच्छा दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सो इनकी स्पीड 46 माइनस 36 इंटू 5 बाई 18 एंड दे क्रॉस इन 36, 18 टू जा 12 इज इक्वल 10 इंटू 5 इंटू 2, सो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन वुड बी 50, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स आर 45 किलोमीटर पर आर एंड 40 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट विल बी, देखो टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, ओके देखो यार सिंपल सी बात है, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड डिफरेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आर और टाइम है 45 मिनट, तो 45 पे 60 कर लो तो सीधे सीधे हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगी 5 इंटू 3 बाई 4 या 15 बाई 4 और 3 किलोमीटर एग्जैक्ट एंड 750 मीटर, आंसर इज सी ऑप्शन। टू ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर पर आर एंड 20 किलोमीटर पर आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 और 20 किलोमीटर पर आर, द फास्ट ट्रेन
कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लो ट्रेन इन 5 सेकेंड. ओके तो देखो फास्ट ट्रेन कंप्लीट पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लो ट्रेन इन 5 सेकेंड द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन. तो लेंथ इज इक्वल, देखो अब यहां पर ये सेकंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 20 × 5/18 मैंने मीटर पर सेकंड बना दिया स्पीड इंटू टाइम 5. अब ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर में हमारा अपॉन में 9 आएगा, 20 10 टाइम्स और 9 टाइम्स. तो दिस इज 250 अपॉन 9 और 9 2 जा 18 और 9 7 जा 27 होल 7/9. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर. द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स. तो देखो यार S1 T1 सेम डिस्टेंस है, S2 T2. नाउ स्पीड इज 80, टाइम इज 4.5. नाउ इफ वी वांट टू कवर द डिस्टेंस इन 4 आवर्स सो स्पीड वुड बी 90. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसिकल एट 10 AM. देखो 10 AM चलता है वो विद अ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर. हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड एट 1 hour 15 minutes बाय स्कूटर. तो देखो इन दिस टाइम 1 hour 15 तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 और 5/4 डिस्टेंस कवर वुड बी. तो ये इस टाइम जब ये स्टार्ट कर रहा है ये 15 किलोमीटर आगे है एंड अलोंग द सेम पाथ एंड कॉट हिम एट 1:30. तो 1 hour मतलब कि 11:15 पर वो स्टार्ट करता है और उसको पकड़ लेता है 1:30 पर. इसका मतलब टोटल टाइम टेकन टू कैच, अब देखो डिस्टेंस 15 है, ही इज मूविंग विद द वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, लेट द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड ही कैचेस एंड दिस डिस्टेंस द टाइम इज 2 hours 15 minutes. तो ये कितना हो जाएगा 2 hour 15 minutes 1/4 9/4. तो रिलेटिव स्पीड हो गई x माइनस 12 और ये किलोमीटर ये भी आ रहा है ठीक है. तो इज इक्वल 15 × 9/4 ठीक है. x इज इक्वल अच्छा ये होगा डिवाइड होगा तो दिस इज 15 × 4/9 3 5 जा 3 3 जा और ये 12 हो जाएगा प्लस यहां पर आके तो 20/3 + 12 और दिस इज 6 whole 2/3 + 12 और 18 whole 2/3. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पुलिसमैन गोज आफ्टर थीफ हू हैज 100 मीटर स्टार्ट इफ द पुलिसमैन रन्स अ किलोमीटर इन 8 मिनट. तो देखो स्पीड ऑफ पुलिसमैन 1 किलोमीटर इन 8 मिनट तो स्पीड ऑफ पुलिस हो जाएगी 1000/8 और 125 मीटर पर मिनट एंड थीफ 1 किलोमीटर इन 10 स्पीड ऑफ थीफ इज 1000/10 और 100 मीटर पर मिनट. द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर ही इज ओवरपास्ड. सो देखो इनके बीच में डिस्टेंस 100 है, रिलेटिव स्पीड 20 है, सो ही वुड बी कॉट आफ्टर 5 मिनट एंड इन दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ वुड बी दिस इज 125. सॉरी गलती हो गई थी. तो ये 25 होगा तो कितना टाइम लगेगा 4. सो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 400 क्योंकि 500 ऑप्शन इसलिए मुझे दोबारा चेक करना पड़ा उसको. आंसर इज